हेलो एवरीवन, मेरी ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, ये ग्रीन चिली पर है। ये मिर्च जो देख आपको ये दिखाई दे रही है, देखो कितनी खूबसूरत मिर्च लग रही है। तो ये सभी घर में नॉर्मली हमारे सभी घर में ये खाई जाती है। तो इस तरह के प्लांट हम जरूर लगाएं, और ये अगर हम लगा लेते तो हमें कितना ये देखो फ्रेश मिर्च मिलेंगी ऑर्गेनिक, ये देखिए। तो हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, और जब हमें चाहिए तो हम इस पे से तोड़ भी सकते हैं, ये देखो हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने गार्डन में, चाहे हमारा छोटा सा भी गमला हो ना, ये उसमें भी चल जाती है। और मैं लगाने से लेके आपको हार्वेस्टिंग तक ये वीडियो देने वाली हूँ। और ये देखिए, और देखिए ये वाली मिर्च मैंने लौंगिया मिर्च, ये बचपन से ही देखिए, ये आज से नहीं, ये बहुत पुराना बीज है। तो ये मैंने अपने बचपन में मैके में भी देखा, और मैंने ससुराल में जब आई यहाँ भी मैंने यही मिर्च देखी, तो मैं तो खुश हो गई इन्हें देख के। अरे वाह, ये बहुत तीखी मिर्च होती। तो और इन्हीं से मेरी दादी क्या करती थी, नज़र भी उतारती थी, तो ये नज़र वाली मिर्च भी बोलती थी वो। तो मैंने ये मिट्टी ले ली है, ये गार्डन सोइल, और इसमें सिर्फ मैंने अभी एक मुट्ठी इसमें नीम खली ली है, ये मेरे पास थी पहले से, एक मुट्ठी नीम खली डाली है। तो बस मैंने इसमें मिला दिए, और मैं इसको बस इसमें बीज स्प्रिंकल कर दूँगी ऐसे, ये देखो। तो मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी, छोटी वीडियो है ये, बहुत बड़ी नहीं है, तो इसको आप पूरा देखें। तो ये देखिए, ये देख ऐसे ही मैंने उसको लगाया था, और ये देखो। और इसमें अब क्या करेंगे आप, ये मैंने सूखी मिट्टी ली है, गिल्ली नहीं लेना, क्योंकि गिल्ली में क्या हो, ये बीज आजकल बरसात में गल जाएंगे। तो इसको मिर्च को अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा हल्की सी मिट्टी डाल दूँगी ऊपर से, ये देखो हल्की पतली लेयर लगाएंगे, क्योंकि ये पतला बीज होता है, नहीं तो गल जाएगा। और ये आपको, ये देखो मैंने इसको ढक दिया है पूरा, इसको कवर कर देंगे जितनी भी हमें दिख रही है ये। तो कवर करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें हल्का सा, अगर बिल्कुल सूखी मिट्टी है, आपके यहाँ धूप हो रही है, तो इसमें थोड़ा हल्का पानी ऊपर से डाल दीजिए। और ये है, ये आपको कम से कम ये कल परसों 3 दिन के बाद ये आपको बीज इसमें अंकुरित हो जाएंगे। और उसके बाद देखो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद ये छोटे छोटे इस तरह से निकल के आ जाएंगे, इस तरह से। ये मेरे ये 10-15 दिन के हैं, तो फिर ये ऐसे बड़े हो जाएंगे, ये 20 दिन का है। जैसे ऐसे करके मैंने थोड़े थोड़े डाले थे इसमें, ये देखिए। तो ये फिर ऐसे, और ये मेरा देखो सबसे पुराना है, ये मदर प्लांट है, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1 महीना पुराना डाला था मैंने जो। तो इसमें देखो ये 15 दिन का है ये प्लांट मेरा, उसके बाद मेरा। और इसमें मैंने ये देखो, ये 1 महीने के बाद इस तरह से मिर्च आ जाती है। तो अगर हम घर में ये इस तरह से लगा लेते हैं जैसे मैंने बताया, तो वैसे तो ये मिर्च के बीज अगर आप ऐसे भी डाल दो कहीं भी गमले में, तब भी जम जाएंगे। देखो ये मेरे गमले में ही डाले हुए थे सारे, तो ये इतनी इसमें मिर्च कितना आ रही है। तो जब भी मैं इसको दिखाती हूँ वीडियो में, तो काफ़ी लोग पूछते हैं ये मिर्च कहाँ से लिया आपने, ये लौंगिया मिर्च होती है। तो ये देखिए, पहले तो ग्रीन होती है इस तरह, फिर उसके बाद ये पर्पल बनती है, और फिर उसके बाद ये लाल होती है। तो इस तरह ये आती है, और ये बहुत तीखी मिर्च है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं अगर हमने ऑर्गेनिक मिर्च खानी है घर में। और कितनी बार ऐसा होता है हमारे पास मिर्च नहीं होती, तो अपनी ताज़ी ताज़ी फ्रेश मिर्च तोड़ के खा सकते हैं। ये देखो कितनी सारी लगी है, हम जो है मैं कभी भी मिर्च नहीं खरीदती हरी वाली, तो मैंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे, यही नहीं है, प्लांट बहुत सारे लगा रखे हैं और भी। तो और ये देखो मैंने विंटर में लिया था एक प्लांट बस, सिर्फ ये वाला, तो मुझे तो बताने की याद भी नहीं रही थी इसको, मैं तो भूल गई थी इस प्लांट को, क्योंकि प्लांट इतने सारे हैं तो भूल ही जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने बताया था कि इसका मदर प्लांट ख़त्म हो गया, मदर प्लांट ख़त्म नहीं हुआ, ये है, ये मैंने विंटर में लिया था, और ये अभी भी मेरे पास है, लेकिन ऐसा हो गया है। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई प्लांट है मिर्च का, तो उससे लगा के अगर बिखेर दें इसमें, तो ये हमारे पास बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। और ये देखिए, मैंने अभी ये मदर प्लांट भी बचा रखा है, और इसमें भी मैंने बिखेर दिए थे, तो इसमें भी ये जम के देखिए छोटे छोटे काफ़ी सारे आ गए, ये देखिए। तो ये घर की मिर्ची बहुत अच्छी होती है, जब मन करे तब तोड़ लो। तो ये देखिए, तो मुझे इतनी सारी मिर्च मिल जाती है, तो आप भी लगा सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो पानी डालें,
अगर गिल्ली है, इस तरह नमी है, तो पानी बिल्कुल ना डालें, हल्का सा छींटा ही लगाएं और इसको बिल्कुल छायादार जगह में रख दें, ऐसी जगह जहाँ बरसात ना आए, बारिश का पानी वहाँ पर रख दें इसको, तो ये अच्छे से जम जाएंगे, फिर गलेंगे नहीं। अगर आप बारिश में रख दोगे ये जम तो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, मगर ये क्या हुआ, ये फिर गल जाएंगे, तो इसीलिए हमने ये बारिश में नहीं रखने अभी, जब तक ये बड़े ना हो इस तरह कितने प्लांट, तो अगर जब बड़े हो जाएंगे तो हम इसको बारिश में वो खुले उसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए, और जब हमारे इतने बड़े बड़े प्लांट हो जाएंगे तो फिर हम उसकी सोयल कैसी बनाएंगे, तो उसमें हम जैसे ये मिट्टी रखेंगे गार्डन सोयल, और थोड़ा सा नीम खली, ये हल्दी आपके पास हो वो भी डाल सकते हैं, और नीम खली नहीं है तो, और उसमें थोड़ा सा आप जो ये मैन्यूर होता है पौधों के लिए ऑर्गेनिक मैन्यूर, तो वो आप डाल सकते हैं, काउडंक है या कुछ भी है, तो उसमें जैसे 70% इसको ले लो सोयल को, और 30% जो है आप मैन्यूर ले सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिक। और आजकल जो है नमी वाला आता है जैसे, तो फंगस वाला ना लें, और सूखा है बिल्कुल आपके पास पका हुआ पुराना, तो वही डालें। तो देखिए फिर इस तरह के प्लांट होंगे, और फिर इस तरह के फूल आएंगे, और फिर इस तरह आपको मिर्ची भी देंगे ये। और ये देखिए जो मैंने ग्रीन चिली के ये प्लांट दिखाए थे, इसमें रिपोर्ट भी कर दी है, जो मैंने सोयल बताई थी आपको तो उसमें रिपोर्ट कर दिए, और अभी इन पर आ रही है, और फिर ये और भी हैं मेरे पास, इन पर आ रही, और फिर देखिए इन पर आएंगे, तो ये पूरे साल हमारे गार्डन में हम ऐसे ही लगाते रहेंगे, तो ये मिर्च आती रहेंगी। और देखिए ये लोहिया मिर्च होती है, ये जो मैंने अभी दिखाया है आपको, तो ये क्या होता है, छोटे ही प्लांट पे ये मिर्च देना शुरू कर देता, तो इसलिए 1-1.5 महीने में हमें मिर्च मिल जाती है अगर हम इसको लगाते हैं। और देखिए जब से मैंने मिर्च का एक प्लांट लिया था उसके बाद मेरे घर में कभी मिर्च ख़त्म ही नहीं हुए, क्योंकि मैं बीच बीच में लगा देती हूँ, मार्च अप्रैल में भी लगाया, फिर बरसात में शुरू में भी लगाया। तो ये देखिए वो ये वाले प्लांट है मेरे, तो मैंने इसको लगा दिया। तो ऐसे ही हम जो है लगाते रहेंगे ना बीच बीच में, तो जब जैसे मिर्च लगाने का समय होता है, बस ये क्या है विंटर में आपको 2 महीने नहीं लगाते, और ये गर्मी में जो ज़्यादा गर्मी होती है तब नहीं लगाते, और ज़्यादा ठंड होती है तब नहीं लगाते, और वैसे ही इसको हम कभी भी लगा सकते हैं, बरसात में मार्च अप्रैल में लगा सकते हैं। और वैसे ही मिर्च का जो प्लांट होता है, ये लौंग या मिर्च या कोई भी मिर्च, वैसे तो ये 12 महीने होती है, ये वाला तो 12 महीने का, इसे एक बार लगा लेंगे तो ये चलता रहेगा, तो जैसे पुराना प्लांट हो जाते हैं फिर नया लगा लेते हैं, तो फिर चलते रहते हैं हमारे गार्डन में, ये मिर्च हमें कभी कमी महसूस हो ही नहीं सकती, अगर जैसे मैंने लगाई है ऐसे जैसे बताइए तो आपको मिर्च की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं होती, और मैं देखो मिर्च जब चाहे तब ले सकती हूँ। अगर मिर्च पर फंगस का अटैक होता है, वैसे नहीं होता, ये एंटीबायोटिक होती है, अगर बाई चांस होता है, तो 1 लीटर पानी और 1 चम्मच नीम ऑयल लें और उसका स्प्रे कर दें प्लांट पर, मिर्च को बचाते हुए। अगर फंगस लगती है या कीड़ा लगता है तभी करें, वैसे कोई इस पर ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ये मैं हार्वेस्ट भी इसको कर रही हूँ मिर्च को, अब ये मुझे अपने घर की फ्रेश मिर्च मिल गई है। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक करें, और आगे की भी इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।